रानी शर्मा नाम है मेरा। रानी शर्मा नाम है आपका। आपका बेटा कल संसद भवन में कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं व्यवधान पहुंचाया। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है। वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता गया। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा है। वो मेरा बच्चा निर्दोष है बिल्कुल, उसको फंसाया गया है। कौन लोगों ने उसे फंसाया होगा? अभी हम नहीं जानते, किसी ने तो फंसाया है उसको। वो बिल्कुल निर्दोष है, मेरा एक ही बेटा, वो रिक्शा चलाता था और कोई कुछ नहीं। बस वो देशभक्त के बारे में बात करता था, बस इसी बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का था मेरा। क्या आपको लगता है लोगों ने उसे फंसाया है? हाँ जी बिल्कुल फंसाया है। जिन लोगों के साथ वो कल घटना करता है, क्या उन लोगों को वो पहले से जानता था? क्या फोन पे बातें होती थी? इस बारे में नहीं पता हमें, मगर हमें ये पता है कि वो निर्दोष है, वो फंसाया जा रहा है मेरा बेटा। कैसे कह सकते हैं आप निर्दोष है? क्योंकि वैसा उसने कभी नहीं किया ऐसा कुछ। क्या आपको लगता है गलत संगति में आके या उसके ब्रेन वॉश कर उसके दिमाग में कुछ चीजों को भर के ऐसा घटना को अंजाम दिलाया गया है? हाँ ऐसा हो सकता है कि गलत उसके दिमाग में किसी ने भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा है नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे बच्चे को छोड़ दे, हमारा बेटा निर्दोष है। कभी वो फोन पे क्या ऐसे वीडियोस को देखता था या किसी से वीडियो कॉल या फोन पे ऐसे बात करते आपके सामने नजर आया हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं करता था, बस गलत कोई बात नहीं करता था, बस जो मुझको टोके। घर से क्या बता के गया था? घर से बता के गया था मम्मी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा वापस 2 दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊंगा आके। कहाँ बता के गया था वो? कह रहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली जाने। तो आपने पूछा नहीं कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? पूछा था तो बोला मम्मी काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे हम। क्या काम बताया था उसने? दोस्तों से मिलने के लिए बोला था, आ जाऊंगा। किन दोस्तों से मिलने? अब उनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे मिले भी नहीं हम। तो घर से क्या वो यहाँ से पूरी तैयारी के साथ गया था, कपड़े अपने साथ? क्या उसको जाते वक्त आपने कुछ दिया था? जाते वक्त हमने कुछ नहीं दिया उसको, वो गाड़ी चलाता था, उसके पास पैसे थे। घर से कुछ बना के आप दी थी वास्ते के लिए, सफर के लिए? नहीं कुछ नहीं दिया उसको। कितना कमा लेता था एक दिन में? 500 रुपए 600 रुपए कभी ऐसे। दूसरे की गाड़ी चलाता था कोटे पे। आपका नाम क्या है? मनी शर्मा। आप सागर की बहन है? जी। क्या कहना चाहेंगी कल की घटना को लेकर? मैं क्या कहना चाहूंगी कि मेरा भाई देश का भक्त था और हमेशा वो देश की उन्नति के लिए बात करता था। वो बहुत अच्छा था मेरा भाई, पता नहीं इसको फंसाया गया ऐसा ऐसा वो था ही नहीं। मैं जानती हूँ ना वो मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसको फंसाया गया उसके बहकावे में आके उसने ऐसा किया शायद, लेकिन वो ऐसा नहीं था मेरा भाई। वो देशभक्त था और जब 15 अगस्त होता था 26 जनवरी तो वो रिक्शा चलाता था, तो रिक्शे में मतलब वो तिरंगा का झंडा लगाता था, वो लगा के घूमता था। और मेरा भाई बहुत अच्छा था, वो कभी भी देश के लिए खिलाफ नहीं रहेगा, कभी वैसा नहीं करेगा। उसको फंसाया जा रहा है। कौन लोग फंसा रहे हैं उसे? मैं ये नहीं जानती कौन फंसा रहा है, बस इतना पता है कि मेरा भाई का मेरा भाई निर्दोष है। क्या मैं चाहती हैं कि इसकी जांच हो और तह तक मामला जाए, जो दोषी हो उनको सजा हो?
कौन इसका विनाश किया है। चाहती हूँ कि जो दोषी है वो उसको पकड़ा जाए, वो सलाखों के पीछे जाए। मेरा भाई नहीं, मेरा भाई निर्दोष है। क्या कभी फ़ोन पे, आप बहन है तो क्या कभी फ़ोन पे वो किससे बात करता था इन सब चीज़ों को लेकर, या आप कल की घटना को लेकर पहले कभी ऐसी बातचीत करता था किसी फ़ोन से? नहीं, घर पे तो वैसे नहीं करता था, मैं तो घर ही पे रहती थी, घर पे नहीं करता था। फादर तो रिक्शा चलाते थे, फिर घर ही पे रहता था, फिर बाहर चला जाता था, बाहर बात करता था फ़ोन, घर पे नहीं करता था। इस बारे में मैंने नहीं सुना। क्या बात करता था फ़ोन पे? मैंने सुना नहीं है वो। क्या लगता है आपको, इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं बस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहूँगी कि मेरा भाई को छोड़ दिया जाए। मेरा भाई निर्दोष है, और जो जिसने मेरे भाई को बहकाया बस उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरा भाई को नहीं मिलनी चाहिए। मेरा भाई बहुत अच्छा था, मेरा भाई निर्दोष है। मोबाइल में कैसे वीडियो देखता था वो? मोबाइल में वीडियो मैं नहीं देखती थी ना, मैंने देखा नहीं। वो घर पे कभी फ़ोन वोन चलाता था तो अपना चलाता था, हम अपना पढ़ाई वढ़ाई करते थे, घर में काम वाम करते थे, मैंने नहीं देखा। कहाँ तक पढ़ाई किया वो? इंटर किया है, इंटरमीडिएट।